सर्वश्रेष्ठ नदियों में से एक माने जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम स्थल सूखने की कगार पर है, जो काफी चिंता का विषय है, जिसको देखते हुए वहां के स्थानीय लोग, अमरकंटक के पुजारी, आम नागरिक और जन प्रतिनिधि सामने आए हैं और नर्मदा के संरक्षण के साथ ही साथ नर्मदा के प्रदूषण को रोकने की दिशा में एक सार्थक मुहिम अमरकंटक में देखने को मिल रही है। अपने उद्गम में ही नर्मदा न केवल सूख गई है, बल्कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा उद्गम के कुछ ही मीटर की दूरी पर नाले का समापन किया जा रहा है, जो कि आगे रामघाट तक पहुंचने से पहले ही नर्मदा का पानी नाले की तरह दिखाई देने लगा था। उद्गम के बाहर बनाए गए स्नान कुंड का पानी भी बदबूदार और गंदा हो चुका था कि आचमन तक के योग्य नहीं माना जा रहा था, जबकि गौमुख से पानी का प्रवाह तक सूख गया था। अब स्नान कुंड की सफाई कराई जा चुकी है। वहीं नर्मदा के उद्गम के सूखने के कारणों के तहत पहले चरण में गायत्री सरोवर में आम जनमानस के सहयोग से इसका गहरीकरण कराया जा रहा है, जिससे इसके जल धारण क्षमता बढ़ सके, ताकि नर्मदा उद्गम का स्रोत हमेशा बना रह सके। इसी प्रकार जन जागरण अभियान से जुड़े लोग, पुजारी, जन प्रतिनिधियों की उद्गम के आसपास 6 और चेकडम बनाए जाने की योजना है, ताकि यह प्राचीन नदी जीवित हो सके। गुजरात, भरूच इत्यादि और महाराष्ट्र भी से अभिसिंचित है, और यहाँ तक कि देश विदेशों से भी नर्मदा का नाम सुनकर के, अमरकंटक का नाम सुनकर के, और लोग यहाँ आते हैं, नर्मदा का दर्शन करते हैं, नर्मदा में स्नान करते हैं। नर्मदा पाप मोचनी कही गई है। वर्तमान में कुछ समय से, विगत 10 वर्षों से, जिस प्रकार से प्रशासन की लापरवाही हुई है, सिर्फ नर्मदा के नाम पर बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े धर्म सम्मेलन और बड़े बड़े यात्राएं निकली, लेकिन नर्मदा के लिए कुछ नहीं किया गया। सिर्फ नर्मदा अमरकंटक के विकास के लिए किया गया, उसमें विकास के नाम पर कंक्रीट रोड बना दिए गए और कुछ जो है मकान भवन इत्यादि बना दिए गए, यही विकास हुआ अमरकंटक में, लेकिन नर्मदा के नाम पर कोई विकास नहीं हुआ। नर्मदा मंदिर का ये जो उद्गम स्थल आप देख रहे हैं, यहाँ से नर्मदा का प्राकट्य हुआ है, यहाँ से नर्मदा निकलती है और यहाँ से निकल करके आगे नदी का स्वरूप धारण कर लेती है। इस नर्मदा मंदिर के जहाँ से उद्गम निकलती है, नर्मदा निकलती है, इसके चारों तरफ पूरा कंक्रीट भरा हुआ है। बड़े बड़े कॉलम खोद करके नर्मदा का जो स्रोत थे उनको ब्लॉकेज कर दिए गए। यहाँ तक कि जो पर्वतीय क्षेत्र था, जो जल का अपार भंडार है, उन स्थानों पर जो है अतिक्रमण बसा दिए गए, भवन बन गए, जो है बिना पट्टे के लोग आकर के बस गए, और जो बांध हैं उनकी कभी सफाई नहीं हुई, नदियों की सफाई नहीं हुई, स्रोत बंद होते चले गए, करोड़ों रुपए नर्मदा के इस नाम पर जो है खा गए लोग जो है, लेकिन नर्मदा के लिए कुछ नहीं किया गया। उसका परिणाम आज आप देखने को मिल रहा है यहाँ। सबसे बड़ी इसका कारण एक भी है कि नर्मदा के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में जो बोरिंग हुई बिना परमिशन के, लोगों ने रात रात चुपचाप जो बोरिंग करा लिया, उसके कारण भी नर्मदा का ये जल स्रोत प्रभावित हुआ है। और जो यहाँ पे तालाब हैं, कुछ नदियाँ हैं, उन नदियों के कभी स्रोतों पर ध्यान नहीं दिया गया, संरक्षित नहीं किया, उत्खनन करके उनके स्रोतों को खोला नहीं गया, उसका कारण भी आज ये दुर्दशा है नर्मदा का। यहाँ की का ये जो जल स्तर है कुंड का, हमारे नर्मदा उद्गम का 1.5 मीटर, मैं तो समझता हूँ कि आसपास के ब्लॉकेज के कारण भी बंद हो गया और नर्मदा का जो मूल स्रोत है वो लगभग समाप्त हो चुका है। इसको देखने से ऐसा परिणाम होता है। तो उसमें वही नर्मदा उद्गम के स्रोत माने जाने वाले सावित्री सरोवर, इंद्रदमन तालाब, मार्कंडेय तालाब, वट कृष्ण तालाब, पुष्कर बांध, वैतरणी नदी,
कपिला संगम, हिरंडी नदी, बाराती नदी आदि सभी का भी हालत खराब है, जिसके भी सूख जाने के कारण नर्मदा उद्गम सूखने का कारण माना जा रहा है। अब जन जागरण चलाने जुटे लोग इसके भी जीवन उद्धार के लिए लगातार काम और प्रयास जन सहयोग से करने का संकल्प लेकर मुहिम में जुट गए हैं। आप भी देख सकते हैं कि किस प्रकार अमरकंटक में लोग मां नर्मदा के अस्तित्व और पवित्रता को बचाने के लिए श्रमदान कर रहे हैं और अपने पैसों से मशीनें लगाकर काम करवा रहे हैं। पर इसके बावजूद अमरकंटक के स्थानीय प्रशासन, अनूपपुर के जिला प्रशासन और शहडोल के संभाग स्तर के अधिकारियों को नर्मदा उद्गम और अमरकंटक में ही नर्मदा की बदहाली को लेकर कोई चिंता नजर नहीं आ रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उद्गम में ही सूख गई है। इसके साथ ही साथ कपिलधारा तक पहुंचते तक तो खत्म सी हो गई है नर्मदा का बहाव। कौन जिम्मेदार है इसके लिए आखिर? इसके लिए शासन प्रशासन ही जिम्मेदार है। चूंकि आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले जो निर्माण कार्य करवाए गए, दूरदृष्टिता न होने के कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। जो पीछे जहां से जल स्रोत हुआ करता था, अभी इसके जस्ट पीछे अपन देखने जाएंगे तो कलेक्टर महोदय वहां जो है सिंह साहब हुआ करते थे अनूपपुर कलेक्टर, उनके द्वारा दीवार कंक्रीट का खड़ा करवा दिया गया, जल स्रोत हो गया बंद, तो आज ये स्थिति है। चूंकि नॉन प्लानिंग कार्य करने से यही होगा और देखने को आगे मिलेगा भी। आज स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य हो रहा है, क्या किसी विशेषज्ञ को बुला करके यहाँ अमरकंटक के बारे में लिया गया राय? नहीं लिया गया कि इस कार्य से कौन सा नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? फायदा तो दिख रहा है कि रोड बड़े चिकने होंगे, सीवर लाइन से क्या होगा, गंदगी दूर होगी, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या होगा उस पर किसी का दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो रहा है। और जब कार्य निर्देश पत्रिका DPR इत्यादि जब तैयार हो जाते हैं तो नाम मात्र के लिए शासन प्रशासन के द्वारा नगर में 4 लोगों को बुला करके उसके बारे में पूछा जाता है कि इसमें क्या सुझाव। अरे पहले आप इसके बारे में दिशा निर्देश प्राप्त कर चुके, DPR पर 50 लाख रुपए खर्च कर चुके, तो फिर नगर का भोली भाली जनता क्या बताएगी? पहले पूछना चाहिए ये सब करने से पहले कि भैया कहाँ पर क्या होना है, क्या होना है। चूंकि अमरकंटक से जुड़े हुए लोग हैं, वो बताएंगे कि अमरकंटक में कौन सा पौधा लगाने से सक्सेस होगा, कौन से पौधा में के जड़ों कौन से पेड़ पानी पकड़ के रखते हैं। ये वृक्षदार फूलदार लगा देने से कुछ नहीं होता, यहाँ का मिट्टी का किस्म अलग है। भोपाल बैठे अधिकारी दिल्ली पतित पावनी पुण्य सलीला मां नर्मदा की उद्गम स्थली अमरकंटक वर्तमान में भीषण जल संकट से जूझ रहा है। अमरकंटक के सभी नदी नाले कुएं आदि सब सूख गए हैं। शासन प्रशासन नेता विधायक सब मूक दर्शक बनकर बैठकर देख रहे हैं। वर्तमान संकट से निजात पाने के लिए अमरकंटक के स्थानीय युवा वर्गों ने मिलकर नर्मदा की सहायक नदी गायत्री सावित्री नदी, जो कि प्रायः सूख गई है, जिसका जल स्रोत सूख गया है, उसे पुनः जीवित करने का बीड़ा उठाया, गैता फावड़ा लेकर श्रमदान कर रहे हैं। अभी नर्मदा मंदिर उद्गम के पीछे गायत्री नदी की खुदाई कर छोटा सा चेक डैम बनाने का भी काम चल रहा है। गोरेला से तनवीर आलम का रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन TV। We'll be right back.